Dear students of the class 5, now it is the turn of the lesson number 6, the temperate grasslands region. After studying about life in different climatic regions located in the torrid zone ki बहुत सारे क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद वी नाउ मूव ऑन टू द टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन की हम चर्चा करेंगे, विच एंजॉयस अ क्लाइमेट, और यहाँ इस तरीके की क्लाइमेट टू दैट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेम्परेट जोन का बहुत बड़ा हिस्सा, एज वी कैन सी फ्रॉम द गिवन मैप में दिख सकता है, इज कवर्ड बाई द नेचुरल ग्रासलैंड से कवर्ड है। Grasslands are vast stretches of the flat land where mainly grasses grow. Grassland बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ केवल घास ही उगती है। Location मतलब स्थिति कहाँ, the temperate grassland extend between 23 and a half degree and 66 and a half degree both in the northern and the southern hemisphere. They are known by different names in different places, और इनके नेम भी अलग अलग होते हैं। In southern hemisphere they are known as, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, द प्रेरीज इन कनाडा एंड यूएसए और कनाडा के घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं। स्टेपीज इन रशिया में घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर दे आर नोन एज द पंपास इन अर्जेंटीना में उनको पंपास कहते हैं, डाउंस इन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, एंड वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लाइमेट मैंने वहाँ की जलवायु कैसी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं वेयर दी समर्स आर शॉर्ट, जहाँ गर्मियाँ छोटी एंड वार्म विंटर्स आर लॉन्ग एंड कूल। इट इज स्नोस इन सम पार्ट्स, और जब कहीं कहीं पर बर्फबारी भी होती है। द रीजन रिसीव्स अराउंड 25 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑन स्नो इन अ ईयर, बरसात 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। एज देर आर फ्यू ट्रीज टू ब्लॉक देयर फ्लो, और इन हवाओं को रोकने के लिए बहुत ही कम वहाँ पे पेड़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली अक्रॉस द ग्रासलैंड, और तेज हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। प्लांट लाइफ, the amount of rainfall and snow received by the region is not enough for trees to grow. बरसात और snow का received by this region, या कह लीजिए कि यहाँ जो बर्फबारी होती इतनी पर्याप्त नहीं होती जिससे पेड़ उग सकें, but it is sufficient to support the growth of a rich variety of grass. लेकिन घासों के उगने के लिए ये बरसात या जो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती, पर्याप्त होती। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर देयरफॉर नोन एज ट्रीलेस प्लेन, इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड को ट्रीलेस प्लेन्स भी कहते हैं। इन एरियाज वेयर रेनफॉल एंड स्नो स्लैटली मोर लाइक इन द प्रेरीज टाल ग्रासेस वो तो होता है, इन द स्टेपीज विच इज ड्राई, स्टेपीज जो सूखे होते हैं अपेक्षाकृत, शॉर्ट ग्रासेस ग्रो, वहाँ छोटी घासें उगती हैं। अ फ्यू ट्रीज ग्रो अलोंग वाटर बॉडीज, कुछ पेड़ हो सकते। टुडे ओनली पैचेस ऑफ द ओरिजिनल ग्रासलैंड्स रिमेन, द रेस्ट हैज बीन लॉस्ट टू कल्टीवेशन, और कुछ ही रह गए हैं घास के मैदान, एंड द रेस्ट हैज बीन लॉस्ट टू कल्टीवेशन, और बाकी कल्टीवेशन में आ गए हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द